अच्छा सर हाथ लेडीज चला रहा है, गलत कर रहा है कि नहीं बताइए। सिपाही जी पर, सिपाही जी पर। बिहार के भोजपुर जिले में थाने के ड्राइवर द्वारा महिला कांस्टेबल की पिटाई का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक सिपाही चालक सरेआम महिला कांस्टेबल को जोरदार थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। बता दें कि ये वीडियो मंगलवार की दोपहर कोयलवर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का है, जहां जमीनी विवाद की जांच पड़ताल करने गई पुलिस टीम की आपस में ही किसी बात को लेकर बहस हो गई और पुलिस वाहन के चालक ने महिला सिपाही पर सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के वाहन के पास खड़े एक पुलिस जवान के द्वारा महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारा जा रहा है, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा बचाव कर दोनों को हटाया जा रहा है। जबकि वायरल वीडियो में पीछे से आवाज भी आ रही है कि ये गलत हो रहा है, महिला सिपाही को थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत बात है। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही भोजपुर एसपी को मिली तो उनके द्वारा तत्काल इस मामले की जांच कर दोषी पुलिस जवान को निलंबित करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। और देखिए एक वीडियो हमारे सामने आया है और कल कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा रात में भेजा गया था और आज हमें ऑफिसर के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत अभी 24 घंटे के अंदर जो जांच करके इस हिसाब से उसको जो भी निलंबन की कार्रवाई है निलंबन की कार्रवाई करते हुए आगे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसकी जाएगी। सर महिला के द्वारा अभी उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं प्राप्त है, लेकिन हम लोगों का मामला संज्ञान में आ गया है, तो आवश्यक है 24 घंटे के अंदर हम जाँच करके जो है निलंबित करके आगे कार्रवाई करेंगे। इधर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ लोगों ने कई तरह की चर्चाएं भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।